स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी की, बात करेंगे उसके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, बात करेंगे SET 2020-21 की बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मैंने 2 दिन पहले ये वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आपके SHS एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने की बात कही गई थी और उसमें बोला गया था कि अल्टरनेट मेथड को आपका चूज किया जाएगा। जो आपके एडमिशन प्रोसीजर होगी वो आपके मेरिट बेस एग्जामिनेशन होगा, या आप बोल सकते हैं कि आपकी ई लॉटरी माध्यम से आपके एडमिशन प्रोसीजर को फुलफिल कराया जाएगा। उसके बाद आपके आज न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हो गया कि ये बात पूरी तरीके से आपकी सही है और ऑथेंटिक है। उस वीडियो में भी मैंने यही बात बताई थी और कुछ बच्चों ने बोला था कि सर ये फेक पूरी तरीके से न्यूज है, जो भी चीज़ें हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात ये करेंगे कि जो आपके एग्जामिनेशन है, पहले तो आपके 4 मंथ बोला गया कि एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन हो गए, ठीक है। बच्चे आपके वेट कर रहे थे, लगातार अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग अपने लेवल पे आपकी कोशिश कर रहे थे सेंट्रल हिंदू स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। अब बात हुई यह कि आपका 4 मंथ बच्चों से वेट करा लिया कि एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन हो रहे हैं। बच्चे भाई लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं, दूसरे स्कूल के एडमिशन प्रोसीजर को छोड़ के केवल सेंट्रल हिंदू स्कूल के लगातार प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हैं आपके वीकली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनकी आपके घर की स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं है, फिर भी वो लगातार अपनी प्रिपरेशन को जारी रखे हैं, कंटिन्यू मोड में रखे हैं। जिनके पास आपके पैसे नहीं है एक अच्छे स्कूल में पढ़ने की, वो आपका उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर हम एक अच्छे लेवल पर पढ़ाई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हिंदू स्कूल में हो जाएगा और मेरी लाइफ जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। या पूरी तरीके से आपके आस लगाए बैठे हैं बच्चे कि आपके एग्जामिनेशन होंगे और हम एक अच्छे नंबर के साथ क्रैक भी करेंगे, क्योंकि कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके बच्चे सोच रहे हैं। लगातार आपके बीचू प्रशासन जो है 4 महीने से ही बोल रहा है कि आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए हैं। फर्दर आपको बताया जाएगा कि क्या आपके नोटिस या सर्कुलर आएगा, और पता नहीं था आपके UET PET के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, आपके अलग अलग आपकी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सेंट्रल हिंदू स्कूल के रिगार्डिंग कोई भी खबर नहीं थी प्रशासन की, कोई भी आपका अता पता नहीं था। फिर उसके बाद होता ये है कि बच्चे पूरी तरीके से आपके पैनिक हो जाते हैं। और देन उसके बाद मैं आपके ट्विटर पे पोस्ट डालता हूँ 30 अगस्त 2020 को, और बहुत सारे बच्चों ने प्यार और सपोर्ट दिया और अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएँ भी की, जिसमें आपके बीचू प्रशासन को टैग करके ये सभी चीज़ें कराई गई थी। उसके बाद से आपके बीचू प्रशासन आपकी हरकत में आया और जागा, और ऐसे जागे कि ये आपके पूरी तरीके से सिस्टमैटिक ही चेंज कर दिया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होंगे। अब बोला जा रहा है कि आपके मेरिट बेस पे एग्जामिनेशन होंगे या लॉटरी माध्यम से एग्जामिनेशन होंगे। तो ये पूरी तरीके से आपकी कह सकते हैं कि जो भी आपके डिसीजन लिए गए हैं आपके कहीं ना कहीं बच्चों के आपके मन में जो है डाउट पैदा करता है कि 4 मंथ से जो है आपके एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करके रखा गया और अभी को बोला जा रहा है कि एग्जामिनेशन आपके कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कराई जा सकती, COVID-19 का सिचुएशन है और इसीलिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कराई जा सकती, ये बातें उसमें कही जा रही हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बीचू के एग्जामिनेशन आपके लगातार हो रहे हैं, सभी कोर्सेज के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अगर हम बात करें SHS स्कूल की, तो इसमें आपके हजारों बच्चे आपके फॉर्म अप्लाई किए हैं। अगर हम लोग अलग अलग क्लासेस की बात करें, देखिए टोटल मिला के आपके 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है 2020 की बात करें, जिसमें आपके कुछ बच्चे आपके एग्जामिनेशन को नहीं भी देंगे और साथ में बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भी एडमिशन भी ले लिया है और अलग अलग सिचुएशन, उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग मानते हैं कि 1.5 लाख बच्चे आपके एग्जामिनेशन देंगे। जैसा कि अगर हम बात करें बीचू की UET और PET के कोर्सेज के एग्जामिनेशन, तो 202 शहरों में आपके बीचू के एग्जामिनेशन अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट और सेंटर पे कराई जा रही है, सिटी में कराई जा रही है, तो उसका वो अलग प्रोसीजर है और साथ में ऑनलाइन मोड में आपकी एग्जामिनेशन कराई जा रही है। जो आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो आपका सेंटर है वो आपका केवल वाराणसी रखा गया है, तो लेकिन ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन नहीं कराए जा सकते, क्योंकि कि आपके EMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एग्जाम करा रहा है, आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा रहा है। तो बीचू प्रशासन को भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करने चाहिए, क्योंकि कि बच्चों की आपकी उम्मीद है और साथ में बच्चे ने बहुत मेहनत की है, जीतोड़ मेहनत की है आपके स्कूल में प्रवेश पाने के लिए। तो उन बच्चों का तो थोड़ा सा आपको केयर करना चाहिए कि फैसला जो भी आपने लिया
वो बच्चों के हित में होना चाहिए। अब देखिए हम स्टूडेंट से क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट को अब आपके फर्दर क्या करना है। डिसीजन तो बेचु प्रशासन ने ले लिया, अब वो एक तरफा लिया कि क्या डिसीजन लिया, किस बेसिस पे लिया, वो उनकी बात है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपने तो भाई मेहनत की है और लगातार आपके एक दो साल से भी कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और 6 महीने से पूरी आपकी कोशिश से बच्चे लगातार जुटे हुए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के लिए। बहुत सारे बच्चे मेरे से कनेक्ट में हैं और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मेरे घर के सपनों का क्या होगा, जो हम लोग देख रहे थे कि SHS स्कूल में हम भी पढ़ सकते हैं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, कुछ पैसे की कमी के कारण हम एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चों के लगातार आपके प्रतिक्रियाएं आ रही, कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्रतिक्रियाएं बच्चों की आ रही हैं। तो देखिए मेरी आपकी बेचू प्रशासन से बस इतनी ही अनुरोध है कि आपको देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी ई लॉटरी या आप मेरिट बेस पे पार्शियलिटी होगी। उसका रीजन है कि देखिए CBSE बोर्ड में बच्चों का काफ़ी अच्छा परसेंट रहता है कंपेयर टू आपके अदर स्टेट बोर्ड्स, जैसे आपके बिहार बोर्ड और साथ में UP बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड्स हैं, अलग अलग बच्चे आपके पूरे इंडिया भर से SHS का फॉर्म भरते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बहुत बच्चे पैनिक हैं, पूरी तरीके से परेशान हैं, बच्चे रो रहे हैं और अलग अलग चीज़ें आपकी हो रही हैं कि एग्जामिनेशन को लेकर बच्चे आपके 4 महीने से आस लगाए बैठे थे कि एग्जामिनेशन होंगे और आप अभी को चेंज कर दे रहे हैं, पूरा मॉडल ही चेंज कर दे रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन जो है मेरिट बेस पे करा दे जाएंगे। इससे पहले भी आपके BHU में UAT और PET में आपके मेरिट बेस पे एग्जामिनेशन का मुद्दा उठा हुआ था, लेकिन उसके बाद आपके BHU प्रशासन ने हरकत में आए और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट भी हुआ और कराए भी जा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट को क्या करना है, देखिए हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट के जो मेरा सपोर्ट करते हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि आपके नो मेरिट बेस एग्जामिनेशन, आपके मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं होना चाहिए, आपकी शोभा देती है। छोटे बच्चों के साथ लॉटरी कराया जाता है, क्लास नर्सरी और 1 के लिए लॉटरी कराई तो ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 6वीं 9वीं और 11वीं के लिए लॉटरी या मेरिट बेस कराएं तो ये पूरी तरीके से आपकी पार्शियलिटी है, एक प्रकार से बोल सकते हैं पूरी तरीके से आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो आपके मेधावी बच्चे हैं, जो आपके प्रयत्नशील बच्चे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी पार्शियलिटी होगी या आपकी कन्फर्मेशन है। अब बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों को क्या करना है, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं या जो मेरे सपोर्टर नहीं हैं, वह अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। मैटर यह नहीं है कि आप सेंट्रल हिंदू स्कूल की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं CHS स्कूल के एस्पिरेंट से, अगर आप BHU के छात्र हैं या BHU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी ये वीडियो जम के शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। अब देखिए स्टूडेंट को क्या करना है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना है और साथ में अपने आपके स्टेटस पे जहाँ पे भी आप शेयर कर सके, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे आप चीज़ों को शेयर कर सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्हाट्सएप की स्टेटस पे पोस्ट कीजिए। अब बच्चों की बात कर लेते हैं कि उनको क्या करना है, तो मैं ट्विटर पे आपको पोस्ट डाल रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोस्ट मिल जाएंगे और साथ में ट्विटर का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपको ट्विटर के पोस्ट को आप रिट्वीट कर दीजिएगा, देन उसके बाद आपको डेली, जी हाँ डेली, आपको 7 से 9 के बीच में, शाम को 7 से 9 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको ट्विटर पे पोस्ट कराना है, ट्विटर पे रिट्वीट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिट्वीट कीजिए। अगर होता ये है कि कुछ आपके समय पर ट्विटर बोलता है कि आपके रिपोस्ट नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और लगातार इसके बाद आपको 5 से 6, 10, 20 जितने मैक्सिमम हो सकते हैं ट्वीट कराना है। अगर आप ट्विटर यूज नहीं करते तो आपके बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, कोई भी आपके घर में ट्विटर यूज करता है तो उनसे आप अनुरोध कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, जिससे आपकी BHU प्रशासन को भी पता चले कि मेरिट बेस आपकी एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ पार्शियलिटी हो रही है, जो भी चीज़ें हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि उनका जो भी डिसीजन बच्चों के हित में होना चाहिए और सपोर्ट में होना चाहिए। अगर बच्चे इसका सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, मेरिट बेस एग्जामिनेशन होना चाहिए, अगर बच्चे इसका सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेरिट बेस आपकी एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ में हम लोग अपनी बात को रखेंगे, एक अच्छे फॉर्म में रखेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्विटर पे पोस्ट कीजिएगा। टाइमिंग जो है आपकी 7 से 9 शाम में आपको
पोस्ट को रिपोस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोस्ट करना है। जो भी आपके डिसीजन होते हैं वो आपके बीचू एडमिनिस्ट्रेटर लेगा। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो आपकी ई लॉटरी माध्यम या आपके मेरिट बेस एग्जामिनेशन के लिए आपकी फिर से ओपन की जाएगी पोर्टल नए बच्चों के लिए, और साथ में जिन्होंने आपके पहले से फॉर्म अप्लाई किए उनके लिए आपके पोर्टल आपके 24/9/2020 तक आपके ओपन किए जाएंगे। 24 सितंबर 2020 तक ओपन किए जाएंगे। क्या करना है वो सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आपके चैनल पे, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पोस्ट कीजिएगा। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं मैटर नहीं करता है, आपको बस सपोर्ट करना है बच्चों का। अगर आप बड़े भैया हैं आप भी सपोर्ट कीजिए, अगर आप छोटे हैं तो भी सपोर्ट कीजिए अपने भाई बहनों का। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शेयर करना है कि कहीं ना कहीं आपके चीज़ें कनेक्ट हो पाएंगी एक अच्छे फॉर्म में, कहीं ना कहीं आपकी बात पहुँचनी चाहिए बीचू प्रशासन के पास कि बच्चे इसके सपोर्ट में नहीं हैं। जो भी बच्चे आपके सपोर्ट में हैं वो आप सपोर्ट कीजिए, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दबा के एकदम शेयर कीजिएगा वीडियो को, इस बात का केयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना केयर कीजिए। और साथ में लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा कि बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए रहें। देखिए पढ़ाई आपकी कभी भी जायज़ नहीं जाती, इस बात का केयर कीजिएगा। जो भी आप चीज़ों को लेते हैं शिक्षा, जिस भी चीज़ों से आप सीखते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप पढ़ाई से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आपको पढ़ाई को बंद कर देना है, छोड़ देना है। जो भी बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू मोड में रखिए। पहले के कंपेयर में थोड़ा सा कम कर सकते हैं चलेगा, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना है पढ़ाई के साथ, उसको आप एक कंटिन्यू मोड में रखते चलिए, क्योंकि कि आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई यूटिलाइज होगी फ्यूचर में। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना ना होना वो आपका दूसरा मैटर है, लेकिन आप पढ़ाई को कंटिन्यू मोड में कीजिए, और साथ में एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एकेडमिक आपकी पढ़ाई को करते रहिए। जो भी आप एकेडमिक की पढ़ाई करें, किसी स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया है तो उसकी भी पढ़ाई साथ में आप कंटिन्यू मोड में करते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एकदम शेयर करना है, और ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको भारी संख्या में आपको रिट्वीट करना है, पोस्ट करना है, अपने आपकी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है कि जो भी आपने कठिनाइयों के साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, आपके घर की स्थिति क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं SHS स्कूल में, सभी चीज़ें आप बताएंगे बीचू प्रशासन को। आप ट्विटर पर मेरे को टैग कीजिए, और भी जो भी बीचू कंट्रोलर हैं, बीचू आपके प्रो हैं, और साथ में आपके BC ऑफिस हैं, सभी को टैग कीजिए और अपनी बात को आप एक अच्छे लेवल तक पहुंचाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।